हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीआर वाला एंड दिस इज योर यशिका मैम और आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्रेश चैप्टर दर इज माई इन ह्यूमन वेलफेयर कुछ बच्चे जो सोच रहे होंगे कि मैम स्टार्ट जीज वाला चैप्टर वो भी पढ़ाया जाएगा बट दैट विल बी कवर्ड इन दी एंड जैसा आपको बताया गया है पहले हम सी बी का पोर्शन जो आने वाला है उसको फॉलो कर लेंगे एंड देन हम जो जो दो चैप्टर रह गए रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म तो कर ही लिया है दो चैप्टर्स रह गए वो भी आपको पढ़ा देंगे चाहे वन शॉट दे, देख लेंगे डिपेंड करता है टाइम पर तो ये मत सोचना कि वो चैप्टर स्किप कर दिया गया नहीं किया जाएगा बिकॉज मुझे अपने उन बच्चों का भी ख्याल है जो दूसरे बोर्ड को बिलोंग करते हैं है, है ना यस yes, तो आपके लिए भी सब कुछ वो किया जाएगा जो सारे बच्चों के लिए किया जा रहा है तो यस हम आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर वन ऑफ दी चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है हम क्या बात करने वाले हैं बेटा हमने हमेशा ऐसे माइक्रोब्स का नाम सुना है जो डिजीज़ कॉजिंग हो बीमारियां कॉज करते हैं कोविड नाइनटीन पीछा ही नहीं छोड़ रहा है केस अभी फिर से किसी स्टेट में बढ़ गए हैं है ना तो हमें ज़्यादातर माइक्रोब्स ऐसे पता हैं जो बीमार करते हैं पैथोजेनिक होते हैं डेथ हो जाती है बट ऐसे भी कुछ माइक्रोब्स है बेटा जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली टू डेली लाइफ में जिनसे हम बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए काम आए हैं तो इस चैप्टर में हम वो खराब माइक्रोब्स नहीं हम वो सारे अच्छे माइक्रोब्स को पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत मस्त है ठीक है कैसे मस्त है कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो हम पढ़ते हैं चलो स्टार्ट करते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल यूज ऑफ माइक्रोब्स अलग अलग जगह पर मैं आपको कुछ एनसीआरटी की रीडिंग्स लगाना चाहती हूँ ठीक है तो हम एनसीआरटी की रीडिंग्स लगा लेते हैं सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन है किसका एनसीआरटी का सब अपनी एनसीआरटी की बुक खोल करके बैठो बेटा सब अपनी एनसीआरटी की बुक खोल करके बैठेंगे अच्छा ओके खोल लियोगी सब ने जाओ रीड लगाते हैं तो आप देख सकते हो रिसाइट्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स

देखो बड़े सारे किंगडम थे बेटा बैक्टीरिया के अलग किंगडम था फंजाई के अलग था, के लिए अलग अलग किंगडम किंगडम था था लिए वायरस का तो बेटा बेटा कोई किंगडम ही नहीं मिला क्यों क्योंकि वायरस नॉन सेलुलर होते हैं तो जब सेल ही नहीं था तो लिविंग नहीं थे लिविंग नहीं तो किस किंगडम में रखें ठीक है उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है विच आर दी वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हो नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते ठीक है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर हर जगह बेटा चाहे मैं दिख नहीं रहे हो हम जिस टेबल पे तुम पढ़ रहे हो सकता है उसमें बहुत सारे हो तुम सॉइल में मिट्टी भर सॉइल उठाओगे उसमें भी तुम्हें बहुत माइक्रोब्स दिखाई देंगे बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं ये सॉयल में हो सकता है पानी में हो सकता है एयर में हो सकता है एंड इनसाइड आवर बॉडीज कुछ अच्छे माइक्रोब्स भी हैं हमारे इंटेस्टाइन में जो रहते हैं ठीक है एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स नहीं रह सकता जैसे जैसे हमारे घर में भीजर भी है कैन व्यू थिंक हम उसको चालू करके वह जहां पर पानी बॉइल हो रहा है वहां पर रह लेंट इवन इमेजिन रह सकते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर पर नहीं बट माइक्रोब्स बैक्टीरिया ऐसे है बेटा जो ऐसी जगह पर रह सकते हैं ठीक है गीजर थर्मल बेंस बोले जहां का टेम्परेचर एज एस हाई एस्ट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड बेटा मैं तो नहीं इमेजिन कर सकती यहाँ दिल्ली में पचास डिग्री से ज्यादा हो जाए बोलते उफ कितनी गर्मी है उफ कितनी गर्मी है बाहर नहीं निकला जा रहा यहाँ नहीं आया जा रहा दिन भर घर में ए सी चला करके बैठे रहते हैं तो हंड्रेड डिग्री तो बहुत ज्यादा हो गया हमारे लिए ठीक है दे कैन बी एज डीप इन द दॉयल ये लेयर्स ऑफ अभी हिमाचल में उत्तराखंड में कश्मीर में बारिश होने लग बारिश कह रही है स्नोफॉल पड़ गई है काफी मोटी अच्छी खासी फीट की हम वहां जा करके बेटा नहीं रह पाएंगे या रहेंगे भी थोड़ा टाइम स्नो का मजा लेंगे और जैसे ही रातों का फटाफट अपने रूम में जाने लगेंगे एकदम हीटर ढूंढेंगे रॉड्स ढूंढेंगे गर्म वाली है ना लेकिन बैक्टीरिया को देखो माइक्रोब्स को देखो उनको कोई गीजर की जरूरत नहीं है ऐसे ही रह लेते हैं हीटर की जरूरत नहीं है ब्लूअर की जरूरत नहीं है मस्ती से रह लेते हैं ना कोई रजाई ना कोई ब्लैंकेट ठीक है एंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत एसिडिक एन्वायरमेंट बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी रह सकते हैं माइक्रोव्स बहुत डाइवर्स हैं प्रोटोजोआ हो सकता है बैक्टीरिया हो सकता है फंजाई हो सकता है एंड माइक्रोस्कोप में प्लांट वायरस जैसे टोबैको मोजैक वायरस इलेवेंथ क्लास में वायरॉइड्स भी पड़ा होगा और प्रयोन्स भी होता है ये सब हमारे माइक्रोव्स के अंदर आ रहे हैं ठीक है प्रायोन्स क्या होता है बेटा प्रोटीनिशियस इंफेक्शन एजेंट क्लास इलेवेंथ ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा है वायरस वायरस पढ़ाया था के अलावा बेटा सब वायरल एजेंट्स पढ़ाए गए थे इनको सब वायरल एजेंट्स क्यों कहते हैं क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग होती हैं जो वायरस के पास होती हैं तो वायरस से थोड़े से कम कैटेगरी वाले सब वायरल एजेंट्स इसमें एनसीआरटी पढ़ाती है आपको वायरॉयड्स ठीक है और एक होता है प्रयोन्स वायरॉइड्स में सिर्फ आर प्रेजेंट होता है बेटा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता वायरॉयड्स में इनका आर एन इन्फेक्शियस से बीमारी फैलाता है इलेवेंथ क्लास से पढ़ा है प्रियॉन्स में प्रोटीन होता है जो इन्फेक्शियस बन करके डिजीज करता है इनके पास आर नहीं होता नो न्यूक्लिक एसिड तो आप देख सकते हो इनके पास कोई ना कोई चीज नहीं है वायरॉयड्स के पास क्या नहीं है कोई प्रोटीन नहीं है प्रियॉन्स के पास क्या नहीं है न्यूक्लिक एसिड नहीं है वायरस के पास तो दोनों चीजें होती है ना तो ये वायरस से थोड़ा कम है दैट इज सब वायरल एक्जैक्टली नॉट वायरस वायरस से मिलता जुलता है कुछ कैटेगरी में दैट इज टू बी सब वायरल एजेंट्स ठीक है तो हमने क्या क्या माइक्रोब्स पढ़े यहाँ पर आप एनसीआर में टिक लगा लेना बेटा माइक्रोब्स हमने क्या क्या पढ़े इट कुड बी बैक्टीरिया ठीक है इट कुड बी फनजाए इट कुड बी प्रोटोजोआ ठीक है अमीबा ठीक है प्लाज्मोडियम जो मच्छर मलेरिया का कॉज करता है वो प्रोटोजोआ को तो बिलोंग करता है और हमने क्या पढ़ा देखो लिखा हुआ है वायरस वायरॉइड्स एंड प्रेय कुछ एनसीआरटी डायग्राम भी बताती है माइक्रोब्स के जो भी हम देखने वाले हैं माइक्रोब्स अगर बैक्टीरिया हैं और फंगस के हैं तो इनको न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो कर सकते हो और इनकी कॉलोनीज बना सकते हो और कॉलोनीज़ को फिर तुम आई से देख सकते हो ऐसे देखना तो पॉसिबल नहीं है बट इनको कल्चर कर लोगे कॉलोनीज़ बना लोगे अगर तुम माइक्रोबायोलॉजी का कोई पेज फॉलो करते हो ठीक है ऐसे ऐसे पेजेस फॉलो करने चाहिए राधर देन फॉलोइंग सम सेलिब्रिटीज़ और समथिंग उनको भी करो ठीक है बट यू शुड फॉलो ऐसे पेजेस जिससे आपको को सीखने को भी मिले है ना जैसे अगर आप कोई सी माइक्रोबायोलॉजी का पेज देखा होगा या कभी गूगल किया होगा तो आपको कल्चर्स दिखाई देती मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी फिगर दिखाऊंगी तो उन कल्चर्स में आप इजिली बैक्टीरिया और फंगस के कल्चर्स को देख सकते हो क्योंकि वो कॉलोनीज बना लेते हैं दैट कैन बी सीन विदेड आई सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो हमें इस पैराग्राफ से क्या पता चला कि माइक्रोब्स की कैटेगरीज बताई गई हैं ठीक है जैसे माइक्रोब्स अगर बैक्टीरिया और फंजाई वाले हैं तो इट कैन बी ग्रोन ऑन कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम नोट्स के फॉर्म में भी लिखवा देती हूँ इट कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम सो दैट आप रिवाइज करो तो आपके लिए ईजी हो जाए है ना न्यूट्रिटिव मीडियम देखो आसानी से ग्रो कर सकते हैं एज दे फॉर्म ऐसा लिख लो टू फॉर्म कॉलोनीज और फिर जो कॉलोनीज बनती हैं बेटा दैट कैन बी सीन विथ कैन बी सीन विट कैन बी सीन विथ नेकेड आई ठीक है तो आप देख सकते हो माइक्रोब्स कितने सारे हो सकते हैं तभी हमने लिखा हुआ है माइक्रोब्स डाइवर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स हो सकते हैं तो इतने सारे डाइवर्स नेचर के माइक्रोब्स हैं बट इस चैप्टर में हमें सब नहीं पढ़ना हमें उन्हीं माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे काम के हों हमें कुछ तो फायदा दें ठीक है तो आओ चलो देखते हैं फिर एन में देखो ये कॉलोनीज दी है ये फंगस की कॉलोनी है ये किसकी कॉलोनी है बेटा बैक्टीरिया की कॉलोनी है तो ये कॉलोनीज जो बना रहे हैं ना ये न्यूट्रिटिव मीडियम आपने दिया है माइक्रोबायोलॉजी के लैब में इस बैक्टीरिया को इस फंजाई को ग्रो कराया प्रॉपर नरिशमेंट दे करके तो इनकी कॉलोनीज बनी तो आप देख पा रहे हो ना ठीक है तो अगर इनको देखना है तो इनको कल्चर करो न्यूट्रिटिव मीडियम में देख सकते हो इसके बाद एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है ये कैसा बैक्टीरिया है बेटा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहते हैं बेटा इलेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा बैसिलस ये क्या है फेरिकल शेप्ड बैक्टेरिया गोला गोला है ना स्पेरिकल शेप्ड स्पेरिकल शेप्ड वाले को क्या कहते हैं बेटा कोकस ये वाला क्या है बेटा ये भी रॉड शेप्ड है देखो रॉड शेप्ड है ना रॉड जैसा है बट डिफरेंस क्या है यहां पर इन्होंने फ्लैजला दिखाया है विथ फ्लैजला अगर ये भी रॉब शेप्ड है बेटा तो ये भी क्या है बैसल ही है है ना बट क्योंकि फ्लैजला है तो ये कैसा बैक्टीरिया है मोटाइल क्योंकि प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को और ये इतना सुंदर स्ट्रक्चर बेटा आपको तुरंत से माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखता इसको अच्छे और हाई पावर माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे ये देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा ऐसा ठीक है ये फिफ्टीन हंड्रेड एक्स पर दिखाई दे रहा है अपने स्कूल में अगर माइक्रोस्कोप देखा होगा हमारे स्कूल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जनरली अगर लो पावर पे देखना टेन पे देखना सिखाते हैं नहीं तो फोर्टी पे तो वो देखो फोर्टी एक्स वाला कैसा दिखता है और फिफ्टीन हंड्रेड एक्स वाला देखो कैसा है यू कैन सी द डिफरेंस उसके बाद देखो स्पेरिकल वाले को कितने पे मैग्नीफाई किया था इसको भी पंद्रह आपको ये फ्लैजला वाला देखना है, इतना आपको देखना है है इतना प्रॉपर आपको और जूम, और फ्लैजिलाई करना पड़ेगा फिफ्टी थाउजेंड एक्स तब जाकर के इतना बेहतरीन सुंदर फ्लैजला के साथ आपको बैक्टीरिया दिखाई देगा यहां पर देखो ये तो हमारा वही सस्ता स्पाइडर आ गया ये सस्ता स्पाइडर माइल मोलिकोल बेसिस में भी एक जगह पढ़ाया था ये तो हमारा 11th में भी हमने पढ़ा है ये क्या है बेटा ये बैक्टीरियो देखो लिखा हुआ है दिस बैक्टीरियो फाज बैक्टीरियो फाज क्या होता है एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ये जो इसके टांग है ना ये इससे चलते थोड़ी है ये टेल फाइबर्स है ये अटैच करवाते हैं बैक्टीरिया से अटैच करवा लिया इनफेक्ट करा लिया तो बस घुस जाते हैं उसके अंदर अपना डीएनए लेकर के ठीक है ये कौन सा वायरस है बेटा ये एडिनो वायरस है जो सर्दी जुकाम वाला होता है एनसीआरटी ने देखो लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी कॉज कराता है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या है बेटा ये टीएमवी वायरस है टोबैको मोजाइक वायरस इलेवेंथ क्लास में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो ये आपको रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं देखो उसको कितने पे मैग्नीफाई किया है देख सकते हो कितना ज्यादा मैग्निफाई किया है तब आपको रॉड शेप टोबैको मोजैक वायरस दिखाई दे रहा है क्लियर है इसको काटोगे तो वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो इलेवेंथ में एनसीआरटी बताती है कैप्सिड और कैप्सोमियर वाला ओके okay. नेक्स्ट अब आओ एक एक करके कैटेगरी पढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से होते हैं तो माइक्रोब्स तो बेटा आपको पता है कहाँ कहाँ हम अपने घर वाले प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं अब दही तो सबने सुना है खाया भी होगा चटकारे लेकर के नॉर्मल ऐसे दही नहीं तो दही का दही भल्ले खाए हो रायता बना के खाया होगा ठीक है कभी खीरे का कभी बूंदी का तो मजे तो सबने उठाए तो इतना स्वादिष्ट जो दही है कभी छाछ कभी लस्सी के रूप में जो आप खाते हो ये बड़ा ही फायदेमंद अगर खाते हो तो खाते रहना रुकना नहीं है ये दूध से भी ज्यादा फायदेमंद है बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन बी ट्वेल्व और वैसे भी कोविड के बाद बेटा वाइटामिन हमारा बंटाधार हो गया शरीर का येस yes, अगर आपको कुछ भी होगा ना अगर किसी भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो डिजिटली करो या जाके करो और सबसे तो पहले तो कहेंगे वाइटमिन की कमी है ठीक है और पता तुम्हें तो कौन सी वाइटामिन की कमी है? बोलते वाइटामिन बी ट्वेल्व क्योंकि ऐसा मेरे फैमिली में भी हो रखा है तो ही मैं बता रही हूँ ठीक है सो अगर आपको वाइटामिन बी की कमी है तो रादर देन टेकिंग सप्लीमेंट्स मल्टीवाइटामिन खाओ या वाइटामिन बी खाओ दही खाओ बरबर -बर के अब सर्दी के टाइम पे थोड़ा कम खाना रात में क्योंकि नहीं तो गला खराब हो जाता ठीक थी। है क्योंकि हमारा थोड़ा ये ये जो भगवान ने दिया है ना सेंसिटिव है ठीक है तो लेकिन दो दोपहर में लंच के टाइम खाओ मस्त खाओ आराम से खाओ ठीक है तो कर्ड क्या है अब बनाते हुए भी घर में इसको सबने देखा होगा ठीक है नहीं तो मम्मी से पूछना मम्मी इतना बेहतरीन एग्जाम्पल तुम्हें आज लाइव दिखा देंगी तुमने आज पढ़ा ना आज मम्मी से बोला मम्मी आप मुझे दिखाओ दही कैसे बनाती हो आप ठीक है तो मम्मी ले जाएंगी तो मम्मी क्या करती है बेटा मम्मी एक पतीला लेती हैं ठीक है दिस इज पतीला पतीले में क्या है बेटा इस पतीले में हमने भर लिया है मिल्क आपने देखा होगा जब मम्मी किचन में घर जाते हो देखा करो मम्मी की हेल्प किया करो मम्मी के साथ काम में हेल्प करो और थोड़ा सा प्रोसेस भी समझो ठीक है अगर आप किचन में गए होगे और मम्मी को देखा होगा तो मम्मी जब भी दही बनाना होता है तो मम्मी दूध को गैस पे चढ़ाती हैं गरम करने के लिए एकदम खोला देती हैं ना खो खोलते हुए दूध में दही नहीं बनेगा सब खराब हो जाएगा सत्यानाश वार्म करते हैं ठीक है क्योंकि जो माइक्रोब्स डाल करके आपको दही बनाना है हर चीज को उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर देना पड़ता है अदरवाइज़ वो नहीं जमेंगे ना ठंडे में जमेंगे ना बहुत गर्म में एक वार्म टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करना पड़ता है तो गुनगुन गुनगुना गुन मतलब वार्म मिल्क में हम उसमें क्या करते हैं बेटा अच्छा अगर मम्मी घर में दही जमाई है ठीक है तो ये बोल आ, क्या कहती हैं पूरा ख़त्म कर दो नहीं पूरा ख़त्म करने पे डांट पड़ती है कहती थोड़ा भी नहीं छोड़ा वो हमेशा कहते थोड़ा सा छोड़ दो क्योंकि तो तुम थोड़ा सा छोड़ोगे नहीं तो नई दही कैसे बनेगी है ना इसीलिए मम्मी डांटती है क्योंकि प्रोसेस को रिपीट तो करना है ना इसलिए मम्मी बोलती है, थोड़ी सी दही छोड़ देना पूरा खा जाओ बट थोड़ी सी छोड़ दो तो वो जो थोड़ी सी बची हुई दही है अब हम उसको फ्रिज से निकालेंगे बेटा और उसको इसमें ऐड कर देंगे उसको हम क्यों ऐड कर रहे हैं क्योंकि उससे नया दही बनाने वाले हैं तो वो उसको हम बोलते हैं इनोक्यूलम या हम उसको बोलते हैं स्टार्टर दैट मींस अब ये ये जो हमने डाला ये स्टार्ट करेगा दही के बनाने को ठीक है इसको झाग लगाना कहते हैं ठीक है दही डाल दी हमने अपने गर्म वाले मिल्क में क्यों डाली क्योंकि इस इनोक्यूलम में इस दही में जो बची हुई थी इट कंटेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा लैब का फुल फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ठीक है इसका एक ग्रुप एक एग्जाम्पल मैं लिख देती हूं लैक्टोबैसिलस अगर आपसे पूछे दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा लैक्टोबैसिलस यस आप दही के साथ ही बैक्टीरिया भी खा रहे हो बट ये अच्छा बैक्टीरिया बीमार नहीं पड़ रहे आपके शरीर के लिए अच्छा है अब ये जो लैब बैक्टीरिया है इसमें देखो नाम आ रहा है लैक्टिक एसिड तो ये क्या करते हैं दे प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड ठीक है they produces, they produces अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है इट पार्शली डाइजेस्ट पार्शली डाइजेस्ट किसको डाइजेस्ट करता है बेटा इट पार्शली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन उस मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है बेटा कैजीन अब ये जैसे ही मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है ठीक है आफ्टर डाइजेशन आफ्टर डाइजेशन इट रिजल्ट इन कोगुलेशन ऑफ मिल्क गलेशन ऑफ मिल्क दैट लीड्स टू दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कर्ड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कॉगलेशन का मतलब क्या होता है बेटा कॉगलेशन का मतलब होता है जमना ठीक है तो दही किस तरीके से मतलब गाढ़ी हो जाती है ना पहले मिल्क लिक्विड होता है बट मिल्क जो मिल्क है वो जम जाता है गाढ़ा हो जाता है उसको हम कॉगुलेशन बोलते हैं UH! और वो कब हुआ जब लैक्टिक एसिड ने अपना कमाल दिखाया कमाल कैसे दिखाते हैं वो वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और मिल्क को गाढ़ा कर देते हैं जमा देते हैं तो हमारी दही प्रिपेयर हो जाती है इस प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं बेटा इस प्रोसेस को हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क ठीक है मिल्क से दही बनाना कर्डलिंग ऑफ मिल्क इसके लिए आपको एक बैक्टीरिया चाहिए और एक जामन चाहिए जो पुरानी बची हुई दही से हम नया मिल्क मिल्क uh, में डाल करके बना लेते हैं अब हमारे कर्ड का फायदा क्या है कर्ड सबसे पहले बताया इट इज रिच इन इट इज रिच इन वाइटामिन बी ट्वेल्व तो अगर वाइटामिन बी ट्वेल्व का सोर्स चाहिए कर्ड खा लो दूसरा हम कर्ड को बोलते हैं इट इज अ प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा लाइफ प्रो का मतलब होता है फॉर मतलब ये हमारी लाइफ के लिए बनाया गया है हमारी लाइफ के लिए अच्छा है जैसे बेटा अगर आप दस रुपए की दही का डब्बा खरीदते हो ठीक है अब कोई भी दही का दस रुपए का डब्बा खरीद लो बेटा जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मान लो तुमने मदर डेयरी का एक दस रुपए का डब्बा खरीदा एक्चुअली मैंने देखा है मदर डेयरी के दस रुपए वाले डब्बे पर

तो इस प्रोबायोटिक का मतलब क्या है क्यों हम दही को प्रोबायोटिक बोलते हैं तो प्रोबायोटिक क्या होता है बेटा प्रोबायोटिक कोई भी एक डाइट्री इंटेक है डाइटरी डाइट्री इंटेक मतलब उसको डाइट के साथ हम इंटेक ले रहे हैं उसका एंड दिस दिस चेक्स दिस चेक्स ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स ये कैसा है है बेटा बेटा ये ऐसा है बेटा, जिसके अंदर हैं और वो माइक्रोब जैसे ही हमारे पेट में जा रहे हैं कोई और माइक्रोब तो नहीं हमारे पेट में जो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो इसीलिए इनको प्रोबायोटिक का दर्जा दिया गया है कर्ड को सेम गोज विद याकुलट का एक छोटा सा बेबी पिंक कलर का डब्बा आता है इतना छोटा सा बेटा खाते हो, खाते कह रही हो पीते हो ड्रिंक है वो वो भी एक प्रोबायोटिक है उसमें भी ऐसे बैक्टीरियाज हैं अब जब कोविड का टाइम पाया था ना तो याकुल की ऐड भी बहुत शुरू हो गई थी आपने भी याकुल की ऐड देखी होगी पहले तो काजोल करती थी बीच में शिल्पा शेट्टी अब कोई और करना शुरू हो गया शायद तो आपने इसकी ऐड भी देखी होगी नहीं तो मार्केट में जहाँ चिप्स विप्स खरीदने जाते हो ना या पेप्सी और कोक इससे अच्छा है ये पी लो बहुत अच्छा होता है टेस्ट वाइज भी अच्छा है खराब नहीं है और इंटेस्टाइन को साफ रखता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है इम्यूनिटी अच्छी बनाता है तो कोविड के टाइम पर जब इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो तो इसकी चर्चा बहुत होती थी सबके फ्रिज में भरा पड़ा होता था याकुल्ट, तो याकुलट भी क्या है बेटा प्रोबायोटिक है दैट मीन्स ये भी एक ऐसा डाइटरी इनटेक है जिसमें भर भर के माइक्रोब्स हैं तुम पियोगे ये जाएंगे तुम्हारे पेट में अंदेर गोइंग टू चेक दी ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स तो सोचो कितने अच्छे हैं ना तो ऐसे खाना हमें खाना चाहिए तो हमें थोड़े इम्यून भी हमारा स्ट्रांग होगा डाइजेशन भी अच्छी होगी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी और दूसरे माइक्रोब्स के ग्रोथ को होने भी नहीं देंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं प्रोबायोटिक्स याकुल तुम्हारी एनसीआर में नहीं है बट यस कर्ड इज देर इन दी एनसीआर ठीक है कर्ड के बाद और क्या खाते हैं हम Uh, मेरा फेवरेट और आई गेस आप सबका फेवरेट भी होगा इडली एंड डोसा अगर मुझसे मुझे कभी खाने का मन है चाहे तुम लंच में बोल लो चाहे तुम ब्रेकफास्ट में बोलो तो मैं डिनर में भी खा सकती हूँ आई कैन ईट इडली ऑल द टाइम ट्वेंटी फोर आवर्स सोने वाला टाइम हटा दो तो इट्स माई फेवरेट दे आर सो लाइट यार एंड दे आर सो टेस्टी ठीक है अभी स्नैक्स में जस्ट अभी अभी ऑफिस में वही आया था नॉट इडली बट येस बड़ा ठीक है तो सबका पसंदीदा होगा आई गेस है ना इतने अच्छे तुम खा लो तुम हैवी नहीं फील करते है ना एंड मोर ओवर वो वाइट चटनी स्वाद डाल देती खाने में है ना जितना टेस्टी सांबर नहीं उससे ज्यादा टेस्टी उसकी कोकोनट की चटनी है ना मैं पानी आ गया ना खा लेना ठीक है तो ये भी किससे बनते हैं बेटा ये बनते हैं ओहो ये हमारी एनसीआर पढ़ोगे तो लिखा हुआ है फ्रॉम डो है ना और अच्छा हमें ना ऐसा लगता है कि दीज आर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स यस yes, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है बिल्कुल फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है इडली डोसा तो बेटा घर में भी बाहर जरूरी खाने की जरूरत मम्मी घर में भी बना देती है वो थ्री टू वन का रेशियो बच्चों को पता होगा घर में बनता होगा तो उसको थोड़े टाइम के लिए ओवरनाइट छोड़ देते हैं ना क्यों आपने देखा होगा कैसे फर्मेंट हो जाता है और जितना अच्छा फर्मेंट होता है उतना सॉफ्ट इडली बनता है है ना तो फर्मेंट का हमें ना हमें फटाक से ऐसे ध्यान आता है कि ईस्ट ही कराती होगी तो वो हमारी थोड़ी मिथ है बेटा इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इडली डोसा फर्मेंटेड प्रोडक्ट तो जरूर है बट ये किसका फर्मेंटेड प्रोडक्ट है फ्रॉम बैक्टीरिया और जो इतन, इडली इतना अच्छा पफी अपियरेंस शो करता है ना इसके लिए भी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है पफ्ड अप अपियरेंस पफ्ड अप अपियरेंस ड्यू टू CO2 टू प्रोड्यूस्ड क्योंकि फर्मेंटेशन होगा CO2 टू निकलेगा और उसको हफी बना देगा सॉफ्ट नेक्स्ट हमारा है ब्रेड अब ब्रेड भी बड़ा कॉमन है चाहे ब्रेड हो गया चाहे बिस्किट हो गया केक हो गया ये सब तुम्हें बेकरी में ही बनता है ठीक है और बेकरी में बेटा एक बैक्टीरिया सॉरी एक माइक्रोब जो इस्तेमाल होता है ये सब बनाने के लिए दैट इज ईस्ट सो द माइक्रोब यूज्ड माइक्रोब यूज इज़ ईस्ट ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा सैक्रोमाइसिस तेरीवेसी ठीक है यहां पर ये यह जो ईस्ट है दिस ईस्ट दिस ईस्ट इज हेल्पिंग इन

Bakers East. इसको क्या बोलते हैं बेटा बेकर्स ईस्ट क्योंकि बेकिंग में इस्तेमाल कर रहे अब bread हो अब ब्रेड का एग्जाम्पल लो बेटा ब्रेड या मफन्स खाते हो घर में ठीक है तो आपने देखा होगा उसमें ऐसे छेद होता है ब्रेड में छोटे 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 बहुत माइन्यूट से पोर्स तो वो पोरस क्यों होते हैं इतने सॉफ्ट क्यों होते हैं क्योंकि बेटा ईस्ट है ना ईस्ट क्या करती है बेटा ईस्ट परफॉर्म्स एल्कोहलिक परमेंटेशन ये क्या परफॉर्म करती है बेटा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस फर्मेंटेशन co2 एंड इथेनॉल इथेनॉल ब्रेड को सॉफ्ट बनाती है और CO2 टू गैस है जहां जहां से निकलेगी हो जाएगा ना तो फोर CO2 टू की वजह से होते हैं ठीक है तो आप लिख सकते हो दिस ब्रेड सॉफ्ट एंड पोरस सॉफ्ट एंड पोरस ठीक है इसके अलावा बेटा हमारी एनसीईआरटी लिखती है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम फर्मेंट करके खाते हैं, जैसे फिश फर्मेंट करके खा सकते हो फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स एंड फर्मेंटेड सोयाबीन इन सबके फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को इट कैन बी यूज्ड एज फूड जैसे सोयाबीन के फर्मेंट स्टेशन से प्रोसेस करके तुमने सोया सॉस का इस्तेमाल करके तीन प्रोडक्ट्स मिल बनते हैं बेटा तैम्फे तोफू एंड सूफू तोफू सूफू तो आज सारे सभी लोग जानते होंगे कि इंडियन मार्केट्स में मिलते हैं अगर खाओ खाया होगा तो सम टेक्स टेस्ट लाइक पनीर कह सकते हो पनीर जैसा ही है अब ज़्यादा टेक्निकल चीज में ना जाए तो टेस्ट उसका वैसा ही आता है तो वो किसके प्रोडक्ट्स हैं सोयाबीन के प्रोसेसिंग से ही इस बनते हैं वो टैंफे तोफो सूफ एक ही चीज़ है अलग अलग कंट्रीज में इनका अलग अलग नाम है बनते वो उसी तरीके से हैं सेम प्रोसेसिंग है तो वो भी फर्मेंटेशन का ही रिजल्ट होता है इसके अलावा ये हमारा नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट दैट इज चीज सबको चीज़ पसंद है कोई एज बार नहीं है ठीक है चाहे पिज्ज़ा खा रहे हो तो चीज़ बस्ट पिज्ज़ा खाना पसंद करते हैं ना सैंडविच में पिज्ज़ा मैगी में पिज्ज़ा डाल देते हैं लोग ठीक है पिज्ज मैगी में पिज्ज़ा कह रहे हो मैगी में चीज़ डाल देते क्या हो गया मैम को है ना चीज़ वाला पराठा खाना पसंद करते हैं चीज़ का इस्तेमाल हम जगह जगह मतलब पोटैटो के जो बाइट्स बनते हैं उसमें भी चीज़ डाल देते हैं तो आपको पता है चीज़ सबका फेवरेट होगा है ना तुम्हारी मैम का भी फेवरेट है सो हाउ इट इज मेड अब देखो टेक्निकली जाओगे ना तो बड़ा सारा डिफरेंस आता है ठीक है अब जैसे हम तो सीधा साधा बताऊँ हमारे घर में जब दूध फटता है तो सबके घर में फट जाता होगा बेटा अभी तो चलो मौसम अच्छा है नहीं तो गर्मी के टाइम हम भूल जाते हैं फ्रिज में रखना ठीक है और मम्मी ने आपको काम दिया है आप कहीं और बिजी हो गए खेलने चले गए मोबाइल में लग गए कुछ और करने लगे आप रखना भूल गए मम्मी कभी रखना भूल जाती हैं फट जाता है वो ठीक है तो गर्मी के टाइम पे तो खासकर ऐसा होता है तो आपने देखा होगा जब दूध फटता है तो पानी पानी अलग हो जाता है और उसका जो गाढ़ा पोर्शन है दूध का वो एक जगह अलग हो जाता है जिसको हम अपने घर में छेना या पनीर कहते हैं एक्चुअली चीज ठीक है बट कोई नहीं आप थोड़ा एनसीईआरटी की बात समझ लेते हैं तो वो जो फटा हुआ पोर्शन है ना या हम नींबू डाल के भी फाड़ लेते हैं ठीक है जिसको आप छेना या पनीर कहते हो

ठीक है तो हम क्या लिखेंगे चीज के लिए इन मार्केट इन मार्केट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज अवेलेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज अवेलेबल और डिफरेंट चीज डिफरेंट चीज हैज डिफरेंट different taste texture flavor हर चीज का बेटा texture flavor सब अलग है क्यों क्योंकि उनको अलग microbes का इस्तेमाल करके बनाया गया है different चीज are made by using डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोवर आपको specific बनाना है एक टाइप का तो उसके लिए specific भी करना पड़ेगा ठीक है अब एनसीआर हमें बेटा दो टाइप ऑफ चीज एक्सप्लेन करती है जो हमारे सिलेबस में है सबसे पहला दैट इज स्विस्ट चीज स्विश चीज बेटा सबने देखा होगा टॉम एंड जेरी सब देखते होंगे जो छोटा टॉम लेकर के भाग जाता था ना पनीर पनीर कह रही हूं, चीज जिसमें बड़े बड़े छेद होते थे ठीक है तो स्विस चीज फेमस ही इसीलिए है मार्केट में जाओगे ना तो बस इतना बोलना ऐसा चीज दे दो जिसमें बड़ा बड़ा छेद होता है लार्ज होल्स ठीक है तो स्विस्ट स्विस चीज में लार्ज होल्स आर प्रेजेंट ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई टॉम एंड जेरी वाला चीज ठीक है कौन सा माइक्रोब इसको प्रोड्यूस करता है इसका माइक्रोव जो होता है जो इस प्रकार के स्विस चीज को बनाता है स्पेसिफिक माइक्रोव क्योंकि आपको पता है ना स्पेसिफिक चीज के लिए स्पेसिफिक माइक्रोव एड करना पड़ता है उस माइक्रोव का नाम है बेटा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी क्या नाम है बेटा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी एक होता है बेटा रॉक्यूफॉर्ट चीज रॉक्यूफॉर्ड चीज में जो माइक्रोब्स इस्तेमाल होता है वो कौन है बेटा वो है पेंसीलियम पेंसीलियम रॉक्यूफोटायम रॉक्यूफोटाय आप खुद देख सकते हो दो प्रकार की चीज है दोनों का क्या सेम माइक्रोब है नहीं अलग अलग माइक्रोब है यहां पर माइक्रोब एक बैक्टीरिया है जो स्विस चीज बना रहा है और यहाँ पर एक माइक्रोव फंजाई है जो चीज बना रहा है ठीक है तो देख सकते हो स्पेसिफिक माइक्रोब्स मैं आपको पिक्चर दिखाऊं ये देखो ये है ना इतना बड़ा बड़ा होल है दिस इज वॉट दिस इज स्विस स्वादिष्ट तो स्विस चीज का खास बात यही है इस पे इतने बड़े बड़े होल्स मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं टॉडी इसको ताड़ी भी बोलते हैं हिंदी में ठीक है यूपी में भी इसका नाम सुना होगा बट जनरली इसको कहा जाता है ये साउथ इंडियन ड्रिंक है इट इज अ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक जैसे हर एक अपने रीजन का ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जब आप जाते हो उनके घर में तो आपको सर्व होता है यू विल यू गो टू तो पंजाब साइड यू विल गेट अ प्लेंटी ऑफ लस्सी वो बड़े वाले ग्लास में है ना सबका अपना फिक्स है जैसे साउथ इंडियंस में साउथ इंडियन के रेस्टोर में भी सीजन टू तो सीजन यू गेट अ वेलकम ड्रिंक गर्मी के टाइम जाते हो तो छाछ मिलता है है ना बटर मिल्क देन यू गो इन टी दी ठंड वाला टाइम तो कुछ गर्म साइलाकर के देते हैं तो उनके रेस्टोरों में भी ऐसी चीजें हैं तो आप कोई साउथ इंडियन फ्रेंड होगा आपका तो आप उनका घर विजिट करोगे तो यू माइट अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ठीक है ऑफ साउथ इंडिया ठीक है इट इज मेड फ्रॉम मेड फ्रॉम पाम उस पाम का नाम क्या है बेटा उस पाम का नाम है कैरियोटा यूरेंस क्या नाम है बेटा कैरियोटा यूरेंस ठीक है टॉडी व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट अंडर गो इट अंडर गो फर्मेंटेशन इट अंडर गो फर्मेंटेशन ड्यू टू नेचुरली अकरिंग नेचुरली अकरिंग ईस्ट इनमें एक नेचुरली अकरिंग ईस्ट होता है बेटा इस ड्रिंक में तो उसका ये नेचुरल फर्मेंटेशन करा देगा तो अल्कोहल बन जाएगा ठीक है इसकी भी पिक्चर देखो मैं एक लेकर के आई हूँ इसका वैसे तो मुझे यूट्यूब के बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे थे इसमें बदा दिखाना मतलब दिखा रहे थे कि कैसे टी को मतलब टॉडी को निकाला जाता है ये देखो एक पाम है इस पाम का नाम है क्या, है? क्या करते हैं बेटा यहाँ पर इनके स्टेम में कट कट लगा दिया जाता है और जहां कट लगाते हैं ना वह मटका बांध देते हैं मिट्टी का ठीक है उसके बाद क्या किया जाता है अब इसका जो सैप है वो उस मटके में कलेक्ट होगा सैप में क्या होगा शुगर होगा ठीक है फिर वो शुगर फर्मेंट जब करेगा तो तुम्हारी ड्रिंक तैयार हो जाएगी उसी का नाम क्या होता है टॉडी और उसके बाद इस मटके को देखो निकाल लिया जाता है देखो इन्होंने मटके को निकाल लो सीधा सीधा या फिर देखो ये अपना एक बर्तन लेकर के चढ़े हैं और ये जो ड्रिंक इसमें कलेक्ट हुई थी बन करके जिसको टॉडी है वो इसमें ट्रांसफर कर ले रहे हैं सो तो दिस इज टॉडी ठीक है दिस इज हाउ इट इज मेड ठीक है जनरली इट इज मेड वे ऑर इन दि साउथ इंडियन पार्ट ठीक है तो ये हमारा सारा का सारा क्या था बेटा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे दैट हाउ माइक्रोब्स आर यूज इन दी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा अल्कोहलिक बेवरेजेस अल्कोहल की इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दी कोविड टाइम जितनी लंबी लाइन आपको दवाइयों की दुकान के आगे नहीं दिख रही थी उतनी लंबी लाइन यहाँ पर थी है ना एवरी वन वन माइट है तो पक्का देखा होगा कितनी लंबी लंबी लाइन थी ठीक है तो ऑब्वियसली बट uh, येस yes, इसको बनाने के लिए भी बेटा माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है देखो एल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए आपको माइक्रोब्स तो लगेंगे क्योंकि इस चैप्टर ही माइक्रोब्स का है कौन से माइक्रोब्स लगते हैं बेटा ईस्ट कौन से माइक्रोब्स लगते हैं ईस्ट उस ईस्ट का नाम क्या है उस ईस्ट का वही नाम है बेटा सैक्रोमाइसी क्या नाम है बेटा सैक्रोमाइसी अब यहां पर ये ईस्ट क्या कर रही है दिस हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल जो एल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री होती है ना बेटा उस इंडस्ट्री को ब्रूइंग इंडस्ट्री बोलते हैं तुमने बहुत सारे कॉफी कॉफी ऐसे कैफे देखे होंगे जहां पर फ्रेश बियर मिलती है तो उसको ब्रूइंग कैफे बोलते हैं तो इनाम तुमने सुना होगा तो उस इंडस्ट्री को हम ब्रूइंग इंडस्ट्री बोलते हैं Therefore, इस को क्या बोलेंगे Therefore, ईस्ट इज नोन एज इज नोन एज ब्रीवर्स ईस्ट क्या बोलेंगे इसको ब्रियुवर्स ईस्ट देखो इस ईस्ट का नाम डिपेंड करेगा किस जगह तुम इस्तेमाल कर रहे हो अगर बेकिंग में इस्तेमाल करोगे तो बेकरस ईस्ट बोलेंगे ब्रूंग में इस्तेमाल करोगे तो ब्रीवर्स ईस्ट बोलेंगे ठीक है अब तुम्हें बेटा ये इंडस्ट्री लेवल पे बनाना है हाउस होल्ड लेवल पे तो दही थोड़ी मोड़ी बनानी है इडली थोड़ी मोड़ी बनानी है अब ये तो इंडस्ट्री लेवल पे बनानी बहुत लार्ज स्केल पे बनेगा लार्ज स्केल के लिए लार्ज बर्तन इस्तेमाल होगा तो दे आर मेड इन लार्ज वेसल्स दे आर मेड इन लार्ज वेसल्स ठीक है अब क्योंकि तुम ईस्ट का कर इस्तेमाल करो ईस्ट क्या कराते हैं फर्मेंटेशन तो इन लार्ज वेसल्स में क्या हो रहा होगा फर्मेंटेशन तो इन लार्ज वेसल्स को बोलते क्या है बेटा इन लार्ज वेसल को बोलते हैं फर्मेंटर्स आपके किताब में एनसीआर के बड़े बड़े बर्तन बना रखे हैं वो बर्तन कुछ नहीं एक ये बड़े बड़े बर्तन बर्तन जो लार्ज वेसल हैं 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 बड़े बड़े टैंक वो फर्मेंटर्स उन्हीं में अल्कोहलिक बेवरेजेस तैयार होता है अब अल्कोहलिक बेवरेजेस के जो बेसिक चीज पढ़ते हैं अल्कोहल बेवरेज बनाने के लिए आपको चाहिए क्या बेटा अल्कोहल बेवरेज बनाने के लिए आपको शुगर चाहिए कोई भी फॉर्म ऑफ शुगर हो तो जैसे अंगूर है अंगूर को आपने देखा होगा अंगूर को क्रश करते हैं पैरों से पैरों से बहुत सारे आपने आप, मूवीज के गाने वगैरह में भी देखा होगा तो अंगूर को वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है जनरली जितने भी फ्रूट जूसेस होते हैं ना बेटा उनको वाइन मतलब वाइन उनसे ही बनता है तो अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हो आप अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए है ना अः अंगूर में क्या होता है किस फॉर्म में शुगर होता है बेटा फ्रूट में शुगर होता है शुगर का टाइप अलग अलग हो सकता है बट होता है तो अंगूर में ग्लूकोज होता है ले लो अगर किसी फ्रूट में लैक किसी फ्रूट में माल्टोज है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी में और प्रकार का शुगर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हर प्रकार का शुगर किसी भी प्रकार का शुगर हो उसको अल्टीमेटली हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं और वह ग्लूकोज को फर्मेंट करा लेते हैं फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट हमारा इथेनॉल होता है एल्कोहल होता है एल्कोहल आ गया एल्कोहलिक बेवरेजेस तैयार हो गए तो शुगर हो कोई भी फॉर्म ऑफ शुगर हो बेटा उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करा लेते हैं फिर इस ग्लूकोज को हम फर्मेंटेशन में भेज देते हैं फर्मेंटेशन कौन कराता है फर्मेंटेशन हमारा ईस्ट कराता है ईस्ट का भी हमने नाम लिख लिया अब ईस्ट फर्मेंट करा लेगा तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है बेटा इथेनॉल ही तो होता है क्या होता है इथेनॉल होता है इसी इथेनॉल के बनने को फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल इथेनॉल इज नोन एज ब्रीविंग इसीलिए इस इंडस्ट्री को ब्रीविंग इंडस्ट्री और इस ईस्ट को ब्रीवर्स ईस्ट ठीक है तो कोई भी फॉर्म ऑफ शुगर हो उसको एथेनॉल में कन्वर्ट करा लेते हैं आपने मार्केट में बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस सुनी होंगी का विस्की राम जिन बियर वाइन है ना तो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस बेवरेजेस अवेलेबल इन दार्केट तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में आई ही क्यों है ये चीज डिपेंड करती है दो चीज पर डिपेंड्स ऑन किस प्रकार के रॉ मटेरियल से वो एल्कोहलिक बेवरेजेस तैयार हुआ है जैसे जो बार्ले होता है जिसको जॉ बोलते हैं ठीक है ठीके? उससे बनती है बियर पोटैटो को प्रोसेस करो तो बनता है वोट का, ठीक है जितने भी वाइन होते हैं वो बनते हैं फ्रूट जूसेस तो रॉ मटेरियल बदल रहे हो तो तुम्हारा भी बदल रहा है। तो एक पे डिसाइड होता है कौन सा रॉ रहे हो बना रहे हो तो, एक तो ये हो गया एक दूसरा क्या है कि तुम उसको किस प्रोसेस के थ्रू बनाए हो विदाउट डिस्टिलेशन विथ और डिस्टिलेशन जैसे वाइन और बियर जो होते हैं बेटा ठीक है वाइन और बियर ये बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं तभी तो इनमें अल्कोहल का कंसेंट्रेशन कितना कम होता है बियर में अल्कोहल का कंसेंट्रेशन तीन या छह परसेंट ही होता है वाइन में नौ से बारह परसेंट ही होता है बट हमारे मार्केट में इतने सारे अल्कोहलिक ब्रिजेस मिलते हैं जिसका साठ साठ सत्तर परसेंट पचास परसेंट अल्कोहल भी उनमें हो सकता है जैसे विथ वाले में क्या आ जाएगा बेटा विथ वाले में आ जाएगा ब्रांडी रम विस्की रम मिठाई गम सुना होगा ना तो रम की बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है सर्दी में खासकर और वैसे भी कुछ हमारे आ, कफ सिरप्स होते हैं बेटा उसमें गुड अमाउंट ऑफ अल्कोहल्स होता है इसलिए हर कफ सिरप आप ऐसी जाके दुकान से नहीं खरीद सकते इसलिए प्रॉपर डॉक्टर का लिखा हुआ होना चाहिए क्योंकि लोग कफ सिरप के बहाने एल्कोहल का कंसनट्रेशन मस्ती में पूरा पूरा पी जाते हैं सिरप तो

और ये बिना डिस्टिलेशन के हैं तो अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम होता है तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पर्पस ऑफ डिस्टिलेशन तो डिस्टिलेशन का पर्पस यही है कि तुम अल्कोहल की मात्रा बढ़ा सको क्योंकि अगर बिना डिस्टिलेशन के होंगे तो ईस्ट नेचुरल फर्मेंटेशन कराता है और ईस्ट कभी भी अल्कोहल का कंसेंट्रेशन तेरह परसेंट से ज्यादा नहीं कर सकता ये इलेवेंथ क्लास के एनसीआरटी के रेस्पिरेशन चैप्टर में लिखा हुआ है नहीं तो एल्कोहल ही मर जाता है ठीक है दैट इज वाई नेचुरल वाले में विदाउट डिस्टिलेशन वाले में तेरह परसेंट से ज्यादा होता ही नहीं एक टेबल मैं ऐड करवाती हूँ बच्चों को नॉट इन दी एनसीआर बट मैं आपको यहाँ बताने के लिए कि ये देखो वाइन और बियर हैं तो बियर में देखो तीन से छह परसेंट ये नौ से बारह परसेंट तो कम क्यों है क्योंकि ये विदाउट डिस्टिलेशन वाले हैं और देखो रॉ मटेरियल भी सबका लिखा हुआ है कि बियर बारले से बन रहा है वाइन फ्रूट जूसे से बन रहा है आपकी नॉलेज के लिए बताया आपको रटने की जरूरत नहीं है ठीक है बाकी विस्की ब्रांडी राम जिन एंड वोड का तब के रॉ मटेरियल लिखे हुए हैं कि विस्की फर्मेंटेड सीरियल ब्रांडी फ्रूट जूसेस राम बोलासेस जिन राई के प्रोसेस करके बनता है वोट का पोटैटो से बनता है और इनका अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन देखना कितना कितना ज्यादा है क्योंकि ये डिस्टिलेशन से बने तो डिस्टिलेशन का एकमात्र जो रीजन है कराने का अल्कोहल के प्रोडक्शन को इंक्रीज कराने का ये सब एल्कोहलिक बेवरेजेस है फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके फर्मेंटर्स में इनको बनाया जाता है ठीक है जी ओके okay जी अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है बेटा एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स सबने सुना होगा है ना खाते भी हैं हम कब खाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं जनरली बैक्टीरिया से तो एंटीबायोटिक में एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट बायोटिक का मतलब लाइफ तो क्या है हमारे लाइफ के अगेंस्ट ना बेटा ना ये किसके अगेंस्ट द लाइफ है अगेंस्ट द लाइफ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स अगेंस्ट द लाइफ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे लिए तो बेटा ये अच्छे होते हैं ह्यूमंस के लिए ही तो बनाए गए हैं ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में तो यही बहुत अच्छे हैं दे आर प्रो लाइफ है ना तो एंटीबायोटिक्स हमारे वेलफेयर के लिए बने थे और ये सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी डिस्कवरी मानी गई थी इन दी ट्वेंटी सेंचुरी बिकॉज दे हैव ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स दी वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी आज भी देखो बेटा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है ना होता तो हमें बैक्टीरियल डिजीज अगर होते तो कैसे ट्रीट करते है ना अच्छा एक एंटीबायोटिक हर दवा हर बैक्टीरियल के लिए होता है नहीं बैक्टीरिया बदलेगा तो एंटीबायोटिक भी बदलेगा अब एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया तो देखो क्या लिखा हुआ है सबसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर जो हुआ था वाज सबने इसका नाम सुना होगा और किसने किया था बेटा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या ये इंटेंशनली डिस्कवर किया था नहीं ये जो पेंसिलिन की डिस्कवरी थी ना बेटा पेंसिलिन की जो डिस्कवरी थी पेंसिलिन की डिस्कवरी एक चांस डिस्कवरी थी चांस मतलब गलती से डिस्कवर हो गया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ना बेटा अपने लैब में एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे जिसका नाम था स्टफाइलो क्या नाम था बेटा स्टफाइलो ये इस बैक्टीरिया के साथ काम कर रहे थे तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग में क्या देखा जो जिस बर्तन में बर्तन मतलब वो हमारे स्टील के बर्तन नहीं होते बेटा की ऐसी प्लेट होती छोटी छोटी माइक्रोबायोलॉजी वाले लैब में पेट्री डिश कहते हैं उसको है ना तो उसमें इसको ग्रो कर रहे थे तो उन्होंने ना पेट्री डिश धोई नहीं वॉश नहीं की तो अनवॉश्ड पेट्री डिश पेट्री डिश में उन्होंने क्या देखा कि इसके साइड साइड में एक ब्लू ग्रीन कलर का मोल्ड ग्रो कर रहा है ब्लू ग्रीन कलर का मोल्ड ग्रो कर गया इन अनवॉश्ड अनवॉश्ड कल्चर प्लेट ठीक है काम किसके साथ कर रहे थे ग्रो कौन कर गया अब जब ये ग्रो कर गया तो ये बड़े आश्चर्य हो गए कि ये क्या आ गया ये तो स्टफाइलो है नहीं तो जब इन्होंने इस ब्लू ग्रीन मोल्ड पर और स्टडी किया मोल्ड मतलब फंजाए तो इनको पता चला ये कौन सा बेटा पेंसिलियम ठीक है और स्टडी किया तो इन्होंने केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जिसको हम क्या बोलते हैं पेंसीलियम तो पेंसिलियम वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंजाई और उस फंजाई का नाम क्या है पूरा पेंसिलियम नोटेटम अब पेंसीलियम एक फंजाई है दैट वो एक माइक्रोब है तो देखो इस एक माइक्रोब से कितनी बढ़िया डिस्कवरी हुई और एज अ एंटीबायोटिक बेटा वर्ल्ड वॉर टू में जो अमेरिकन सोल्जर्स घायल हो गए थे उनको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था अब अलेगजेंडर फ्लैंगी ने कर तो दिया बट पूरी तरीके से उसकी इफेक्टिवनेस कि वो एंटीबायोटिक तरह इस्तेमाल हो पाता है इन्होंने नहीं दिया था इन्होंने किसी और के साथ मिला देखो इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वो स्टैब्लिश बाय अर्न चेंज एंड हॉबर्ट फ्लोरे इन्होंने स्टैब्लिश किया था अब इन तीनों को बेटा फिर अवार्ड भी दिया गया था ठीक है देखो लिखा भी हुआ है एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर इन दी वर्ल्ड वॉर टू और इस डिस्कवरी के लिए दे वर अवार्डेड नोबल प्राइज ऑल्सो इन दी नाइनटीन आज की डेट में बेटा हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इन डेडली डिजीज को ठीक करने में इस्तेमाल करते हैं जैसे प्लेग वूपिंग कफ काली खांसी जिसको कहते हैं डिप्टेरिया ठीक है लेप्रोसी कुष्ठ रोग ट्यूबरकोसिस भी एनसीआर लिखती है तो यस द डेडली डिजीज कैन बी ईजिली ट्रीटेड ठीक है दे कैन बी ईजली ट्रीटेड ओके तो एंटीबायोटिक्स भी कवर कर लिया हमने तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा एल्कोहलिक बेवरेजेस का इकस कर लिया ये भी पढ़ लिया है नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बहुत सारे इंजाइम्स हैं और कुछ हमारे एसिडिक प्रोडक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जिनको हम माइक्रोव से ही निकालते हैं जैसे ये देखो ये देखो माइक्रोव एंड देयर प्रोडक्ट्स एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है इससे आप क्या निकालते हो बेटा सिट्रिक एसिड ठीक है एसिटोबैक्टर एसिटाई इससे क्या निकालते हो एसिटिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम बैक्टीरिया है इससे क्या निकालते हो बुटारिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड है बेटा हम अपने घर में लैक्टिक एसिड का यूज आपको पता ही दही बनाने में करते हैं सिरका का भी नाम सुना होगा विनेगर अचार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो भी तो एक एसिड ही है जो एक बैक्टीरिया सॉरी हमारे एक माइक्रोब से ही निकल रहा है तो देखो किस कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम ऐसे प्रोडक्ट्स का और उसको डिराइव कहाँ से कर रहे हैं हम हम एक माइक्रोब से ही कर रहे हैं तो क्या हम माइक्रोब हमेशा क्या है नहीं माइक्रोब्स को हम कितने अच्छे तरीके से जगह जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कुछ एंजाइम्स के बारे में जिनको लार्ज स्केल में बनाया जाता है और वो भी हमारे बेटरमेंट के लिए है जैसे ये देखो एंजाइम्स के लिए लिखा है हार्डली वन से वन पॉइंट फाइव परसेंट टोटल इंडस्ट्री एंड उनका इस्तेमाल हम मेडिसिन में करते हैं सबसे पहले एंजाइम जो हम पढ़ेंगे वो है लाइपेस लाइपेस का काम होता है बेटा डिटर्जेंट को फॉर्मुलेट करके उनकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करें क्योंकि सस्ते डिटर्जेंट थोड़ी क्योंकि सस्तों में अच्छा एंजाइम नहीं होगा अच्छा फॉर्मुलेशन नहीं होगा ऑयली स्टेन्स नहीं रिमूव कर पाएंगे लॉन्ड्रीज वगैरह में तो लाइपेज ऐसा एंजाइम होता है जिसको प्रॉपर फॉर्मुलेशन के साथ डिटर्जेंट को फॉर्मुलेट करता है अच्छा बनाता है और भरपूर तरीके से उसको इस्तेमाल करो फिर वो जितने भी गंदे स्टेन्स है तुम्हारे लॉन्ड्री कपड़े में से हटा देंगे उसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा पेक्टिनेजेस एंड ये क्या काम करते हैं बेटा ये फ्रूट जूस को क्लैरिफाई करते हैं एंड मेक देम क्लियर एज कंपेयर टू दो मेड एट होम घर का जो जूस होता है बेटा उसका कलर गाढ़ा होता है मार्केट में जो जूसेस मिलते हैं वो थोड़े ज्यादा साफ और क्लियर होते हैं वो अलग बात है कि घर में ज़्यादा हेल्दियर होगा क्योंकि इसमें कुछ मिला नहीं है वो प्योर है बाहर तो फ्लेवर भी ऐड किया जा सकते हैं प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं पर वो ज़्यादा साफ और क्लियर होते हैं क्योंकि उनको साफ बनाया जाता है बेटा मार्केट में वही चीज़ बिकेगी जो साफ और सुंदर होगी है ना जो अच्छी लगेगी देखने को आंखों को है ना उनको स्वादिष्ट हो नहीं हो उससे कोई इतना मतलब नहीं है ठीक है सुंदर है स्वादिष्ट तो पीने के बाद पता चलेगा ना पहले पहले तो देख करके अट्रैक्ट हो गए ना ठीक है तो उनको बनाया जाता है दो तो एंजाइम से ट्रीट करके पेक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस तो पेक्टिनेज जो हमारे क्या करती हैं चीजों को डाइजेस्ट करा देती है फाइबर वाइबर कंटेंट भी हमारे उसमें आ जाते हैं ठीक है दैट इज व्हाई दे आर जो मार्केट के हमारे जूसेस uh, होते हैं दे आर मोर क्लियरर as compared to the one जो हमारी मम्मी घर में बनाती है ठीक है ठीक है तो हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा लाइफेस्ट जो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल होते हैं ऑयली स्टेन को रिमूव करते हैं आप इसको वैसे भी कर सकते हो ठीक है टेक्टिनेस एंड प्रोटीन ये हमारे फाइबर फ्रूट में तो भर भर के फाइबर है ना फ्रूट में क्या है क्यों बोलते हैं डॉक्टर फाइबर खाओ सॉरी क्यों बोलते हैं डॉक्टर्स फ्रूट खाओ क्योंकि फ्रूट में बेटा फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है है ना रफ वेज खाने के लिए बोलते हैं सब्जियां ऐसे वेजिटेबल्स खाने के लिए बोलते हैं सैलड खाने के लिए बोलते हैं कि रफ रफवेज का कंटेंट हो तो घर में बन रहा है तो फाइबर्स एंजाइम्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो फाइबर डाइजेस्ट नहीं हो रहा मार्केट में भेजना बेचना है कमर्शलाइज करना है अच्छे से पैकेज करना है तो ये दो एंजाइम्स डाल देते हैं जूस में वो इस फाइबर को डाइजेस्ट कर जाती है फाइबर खत्म हो जाता है जूस में से और जूस हमारा क्लियर और साफ और सुंदर हो जाता है ठीक है तो इसीलिए घर वाला गाढ़ा होता है डार्क होता है बाहर वाला क्लियर और सुंदर होता है फिर एक एंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकाइनेस में जो बैक्टीरिया है बेटा वो कौन सा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस ये वाला माइक्रोब इस्तेमाल किया है और इसको एज अ क्लॉट बस्टर बस्टर मतलब तोड़ना फोड़ना किसको क्लॉट को हमारे शरीर में बेटा अगर अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए तो वो हमारे लिए अच्छा है नहीं क्लॉट बनना इज नॉट एट ऑल गुड अंदर बाहर बह रहा है तो क्लॉट बहना जरूरी तो नहीं बनना चाहिए। तो फ्लो टूट जाता है का और हमारे ऑर्गन्स तक नहीं को तोड़ना अगर बन जाता है तो क्लॉट को तोड़ने के लिए बस्ट करवाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसको क्लॉट बस्टर कहते हैं बेटा आपने सुना होगा जिनका खून गाढ़ा होता है ना उनमें क्लॉट बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं तो उनको ब्लड थिनर के लिए कुछ इंजेक्शन देते कि उनका ब्लड थोड़ा थिन हो, नहीं तो अगर उनका अगर खून जिनका खून गाढ़ा है ना उनको हार्ट अटैक आने अटैक ठीक है तो वही चीज है आपने जोलॉजी में पढ़ा भी होगा ट्वेल्थ में इट इज यूज इन रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम दी ब्लड स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनको हुआ है माओकार्डियल इंफॉक्शन अदरवाइज इट माइट लीड टू द हार्ट अटैक ठीक है तो इंजेक्शन लगा लगते हैं ब्लड को थिन करने के लिए क्लॉट को बस्ट करने के लिए फिर एक सबको पता होगा डाइजेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट स्टार्च ठीक है अब हमारे पास पढ़ने वाले हैं हम कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इनको बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं क्यों क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा इनको कहां से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कहां से एक्सट्रैक्ट करें फ्रॉम दी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एक्टिव क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि हमारे शरीर में एक्टिवली हैं किसी ना किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल को डिफाइन करो दीज मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है एंड कैन मॉडिफाई एंड कैन अच्छा कैन की जगह कैम लिख देते ना तो बच्चे आ जाते हैं कॉल आउट करने मैम अपनी स्पेलिंग देखो बेटा कोई बात नहीं आप मेरी भावनाओं को तो समझो आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना दख, है क्योंकि आप बोर्ड्स का पेपर लिखने वाले हो ठीक है ओके तो एंड कैन मॉडिफाई मेटाबोलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आओ चलो देखते हैं जैसे दो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आप पढ़ रहे हो एक यहां पर लिखा हुआ है साइक्लोस्पोरिन ए इसको बायो एक्टिव क्यों बोल रहे हैं क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया गया है कौन सा वो फंगस है कौन सा फंगस बेटा ट्राइकोडर्मा पॉलिसम ठीक है इसको फ्री लिविंग फंगस बोलते हैं दैट मीन्स इसको कोई होस्ट की जरूरत नहीं है रहने के लिए और अब ये क्या करेगा ये कैसे इफेक्ट करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो इनकी ये जो फंगस है ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मापोलिस्पोरम ओहो फ्री लिविंग फंजाई की जगह फ्री लिविंग होस्ट लिख दिया है बात करते करते तुम लोग से फ्री लिविंग फंजाई ये क्या करता है बेटा इट एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट निकाला इसको फंगस से गया है और हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि इट एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन पेशेंट बेटा जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो आपको बताया गया होगा आपने पढ़ा होगा नहीं तो सुना होगा कभी किसी उसमें आसपास पड़ोस में या रिलेटिव्स में नहीं तो किताब में जोलॉजी में जब पढ़ा होगा कि ऑर्गन का भी मैचिंग होना जरूरी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मर्जी को ऑर्गन डोनेट या ले सकते हो दूसरे बॉडी जिसको आप डोनेट करने वाले हो या किसी से लेने वाले हो वो मैच करना चाहिए कुछ परसेंटेज होता है डॉक्टर जब बनोगे तो पता चलेगा आपको ठीक है अगर आप जाकर के एमबीबीएस पढ़ते हो ऐसा नहीं कि जिस मर्जी को भी आप डोनेट या ले सकते हो तो जब अगर किस कोई एक अपनी किडनी को डोनेट कर रहा है तो जो उस किडनी ले रहा है वो हो सकता है किडनी को रिजेक्ट कर दे क्योंकि उसका मैचिंग ही नहीं हुआ अब यार किसी एक्स पर्सन जैसे मान लो कोई एक एक्स पर्सन है कोई एक वाई पर्सन है एक्स पर्सन चाहता है डोनेट करना किडनी ठीक है किसको डोनेट कर रहा है वो वाई को डोनेट कर रहा है ठीक है तो वाई यहाँ पर क्या है रिसीव कर रहा है तो ये रेसिपियंट है किडनी का इसको जरूरत होगी फेल हो गया होगा ये क्या कर रहा है अपनी किडनी डोनेट कर रहा है तो ये क्या है किडनी डोनर है तो ये इसके मर्जी से हो जाएगा क्या नहीं ये जो रेसिपियंट है इसको इस किडनी को एक्सेप्ट करना चाहिए लेकिन हमारी शरीर जो है ना बेटा वो इम्यून रिस्पॉन्स हो करती है और इम्यून रिस्पॉन्स क्या कर सकता है ये जो किडनी आ रही है ना डोनेशन के लिए इसको रिजेक्ट कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स शो करके लेकिन अगर इसको किडनी ना मिले तो मर सकता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कभी कभार ठीक है अगर भले ही बॉडी रिजेक्ट कर रही है उस किडनी को इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है कि नहीं चाहिए लेकिन डॉक्टर्स को तो पता है ना कि चल जाएगा या नहीं चलेगा काम वो तो बेटा भगवान है ठीक है तो वो क्या करते हैं जब जरूरत होती है उस ऑर्गन की तो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करा सकते हैं इन एजेंट्स का इस्तेमाल करके दैट इज इनको एजेंट कहा गया है और ये तब होता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन चलती है किसी बॉडी में किसी पेशेंट में ठीक है नेक्स्ट है स्टैटेंस स्टैट एक बायो एक्टिव मोलिक्यूल क्यों है क्योंकि इसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया गया है उसका नाम है ईस्ट कौन सा ईस्ट बेटा मोनास्कस ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है इससे निकला है ये दैट इज वाई इसको बायोक्टे मॉलिक्यूल बोल रहे हैं और इसका काम किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है अगेन हमारे में क्या होता है बेटा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर सकते हैं ठीक है मान लो कोई एक एंजाइम है बेटा आपको पता है हर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होता है ये एक एंजाइम है जब ये किसी एक एलिमेंट से बाइंड होती फॉर एग्जाम्पल एक्स एलिमेंट तब जाकर के हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है अब ये स्टैट क्या करता है ये एक्स को बाइंड ही नहीं करने देता ये खुद जाकर के बाइंड कर जाता है अब आपको पता है ना अगर कोई फालतू का एंजाइम से जाकर के लग जाए इलेवेंथ क्लास से पढ़ा होगा तो इंजाइम्स का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है जहां पर एक्स को बैठना था वहां पर स्टैट आकर के बैठ जाता है ठीक है वो उसको कॉम्पिटिशन देता है इस तरीके के इनिबिशन को कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहते हैं बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा तो देखो क्या लिखा हुआ है स्टार्ट एक्ट बाय कंप्लीटली इनिबिटिंग द इंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये इंजाइम को इनिबिट कर देता है क्योंकि खुद ही जाके चिपक देता है उसको इनएक्टिव बना देता है ऐसा समझ लो वजह से कोलेस्ट्रॉल बनता ही नहीं तो दिस इज हाउ कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कम हो जाता है और आपको पता है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा गुड और बैड दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं अगर चेकअप कराते हो बॉडी का घर में डेली ईयरली तो आपको पता होगा कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता बहुत एक्सेस में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इज बैड तो दैट कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना है तो so इस प्रकार के हम मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इसको बायोक्टिव मॉलिक्यूल्स क्योंकि इसका सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है और उसको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है दोनों को दैट इज वाई इसको बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं ओके okay? तो आज के लिए इतना ही ठीक है ये डायग्राम्स रिपीटेड हैं ये देखो ये फर्मेंटर्स का डायग्राम है जिसकी मैं बात कर रही थी अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन लॉन्ड्री लाइगेज नहीं प्रोटीज फ्रूट जूस को क्लियर करता है पेक्टिनेस भी फ्रूट जूस को क्लियर करता है आंसर क्या होगा बेटा इसका लाइपेस बड़ा इजी चैप्टर है बेटा सेलेक्ट दाइक्रो विच इज सोर्स ऑफ क्लॉट बस्टर क्लॉट बस्तर को कौन करता है बेटा स्टेप्टोकाइनेस स्टेप्टोकाइनेस कहाँ से निकलता है स्टेप्टोकोकम से पेंसिलियम नोटेटम पेंसिलिन देता है एस्परजिलस नाइगर एसिटिक एसिड ठीक है एसिटो बैक्टीरियम एसिटा एसिटिक होता है सॉरी सॉरी एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड देता है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड देता है क्लॉट बस्टर के लिए ये होगा नेक्स्ट एन इम्यू इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट अभी बताया

जब जब हम क्वेश्चन करते हैं स्लाइड्स पर हर लेक्चर में जरूरी नहीं है because आपको प्रैक्टिस शीट scoring, Next. The product of has been commercialized. इसका प्रोडक्ट होता है स्टैटिन को हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सबसे पहला ऑप्शन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट नहीं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के लिए साइक्लोस्पोरिन होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल एजेंट बिल्कुल सही है लोअरिंग एजेंट क्लॉट बस्टर के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस का इस्तेमाल होता है बॉटल जूस के लिए क्लेरिफाई करना है तो पेक्टिनेसन प्रोटीएसेस का इस्तेमाल होता है स्टार प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल दिस एंजाइम को खराब करता है कौन खराब करता है बेटा स्टैटिंस स्टैटिंस किसी और की जगह जाकर के बैठ जाता है जैसे कंपटीशन अगर तुम नहीं दे पाओगे तो सीट कोई और ले लेता है सिमिलरली करता है उस प्रोडक्ट के लिए जो इंजाइम से लगना होता है उससे पहले खुद ही जाकर के एंजाइम पर बैठ जाता है खराब कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं ठीक है साइक्लोस्पोरिन पेंसिलिन कितनी बार बता चुके हैं किस किसके प्रोडक्ट हैं विच ऑफ इज ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम इंडिया टी नो बियर नो कैश एप्पल नो टॉडी चीज बनाता है, NCRT में नहीं, है। ये नहीं है पढ़ने की प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े बर्तन में होता है डाइजेस्टर बोलते हैं नहीं डो बोलते हैं नहीं कॉन्क्रीट टैंक नो फर्मेंटर्स अभी डायग्राम भी दिखाया आपको

ठीक है तुम चाहे बोर्ड्स के लिए तैयारी करो चाहे सी के लिए तैयारी करो चाहे आगे जाके लिए नीट की तैयारी करो एवरीथिंग इज फ्रॉम दी एन एंड दिस यू आर नोट्स फॉर एवरीथिंग ठीक है तो रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कंटिन्यू करेंगे कि और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है इसका इस्तेमाल हम नेक्स्ट लेक्चर में सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे बायोगैस प्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों बाय बाय